गंगा। कहा जाता है कि गंगा जितनी पवित्र कोई भी नहीं। गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा को माँ भी कहा गया है। देश के दिल में बसी देश की आस्था का प्रतीक गंगा नदी। विश्वास, आशा, संस्कृति और पवित्रता के साथ ये नदी लाखों लोगों की आजीविका का स्रोत है। 7000 साल से भी ज्यादा पुरानी हमारी सभ्यता के लोग सरस्वती नदी के सूखने के बाद गंगा के मैदानों में शिफ्ट हो गए थे। भारतीय उपमहाद्वीप में और विशेष रूप से हिंदू धर्म में सोशल और रिलीजियस कस्टम गंगा नदी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। वेद पुराण, महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों और महाकाव्यों में गंगा का जिक्र मिलता है। देश के एक तिहाई लैंडस्केप और वहां रहने वाले 40 करोड़ लोगों को पीने का पानी प्रोवाइड करके ये नदी हमारी लाइफ को आसान बनाती है। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, दरअसल सिंधु सरस्वती सभ्यता से शिफ्ट होकर लोगों का गंगा में बसे मैदानों में बस जाना दुनिया के सबसे पहले मास माइग्रेशन में से एक माना जाता है। भारत के बड़े हिस्सों को हरा भरा बनाने वाली गंगा नदी 1,00,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है और गंगा के मैदान की उपजाऊ मिट्टी भारत और बांग्लादेश दोनों देशों की एग्रीकल्चर इकोनॉमीज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से गंगा का पानी अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है और इसीलिए इस पानी की क्वालिटी का ध्यान रखना ज़रूरी हो गया है। रिसर्च के मुताबिक प्रयागराज के लगभग 3,500 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच में गंगा बहुत ज़्यादा दूषित यानी पॉल्यूटेड हो चुकी है। भारत के 29 शहरों, 70 नगरों और 10,000 गांवों के लोग गंगा के लगभग 12,222 मिलीलीटर पानी की घरों में इस्तेमाल करते हैं और 2,500 मिलीलीटर पानी इंडस्ट्रियल वेस्ट हो जाता है। नदी के पानी की प्योरिटी बारिश और वाटर फ्लो पर डिपेंड करती है। गंगा में पानी की कमी को देखते हुए ये ज़रूरी है कि किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल वेस्ट गंगा के पानी में ना मिलाया जाए। ये सारी बातें करने के बाद भी गंगा का माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस कम नहीं होगा। भारत का सनातन धर्म बहुत साइंटिफिक है और इसीलिए अगर हमारे वेदों में गंगा को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है तो इसके वैलिड रीजन तो ज़रूर होंगे। भारत में गंगा सबसे पवित्र नदी रही है। गंगा की सोर्स सिस्टम को भागीरथी कहा जाता है। गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है जो सी लेवल से 3,852 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देवप्रयाग नाम की जगह पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां एक दूसरे से जुड़ती हैं और मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले गंगा नदी 2525 किलोमीटर का रास्ता तय करती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार ही वो जगह है जहां पर गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरती थी। अपने शुद्ध पानी की वजह से भारत में गंगा को पवित्र माना जाता है। भारत के लोगों का मानना है कि गंगा स्वर्ग में बहती थी जहां अमृत पाया जाता था। स्वर्ग के अमृत को इस नदी की पवित्रता का कारण माना जाता है। इसीलिए जब भी भारतीय लोग पूजा के लिए पंचामृत बनाते हैं तो गंगा जल को उन 5 अमृत में से एक मानकर मिलाया जाता है। साथ ही गंगा को सब मनुष्य के पाप धोने वाली नदी मानते हैं। ये तो हुआ माइथोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव। अब गंगा का पानी प्योर और मेडिसिनल होने के साइंटिफिक रीजन के बारे में बात करते हैं। इस एक्सप्लेनेशन के लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा। जब अंग्रेज भारत आए और उन्होंने देखा कि भारतीय लोग अपने घरों में गंगा का पानी स्टोर करके रखते हैं और लंबे समय तक उसका इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि गंगा का जमा किया हुआ पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता और इस पानी में कई सारी मेडिसिन प्रॉपर्टीज भी हैं। इसीलिए अंग्रेज सेलर जब कलकत्ता के रास्ते शिप से लंदन के लिए निकलते थे
तो सफर के लिए अपने साथ गंगा का पानी ले जाते थे, क्योंकि गंगा का पानी जल्दी खराब नहीं होता था और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से भरपूर था। इसीलिए लंदन पहुंचने तक सारे सेलर्स की तबीयत एकदम अच्छी रहती थी। गंगा का पानी स्टोर करने की ये परंपरा भारत के लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। घर के मंदिरों में पूजा के लिए बॉटल्स, कॉपर कंटेनर्स में रखा जाने वाला गंगा जल सालों तक साफ रहता है, लेकिन दूसरी नदियों का पानी गंगा के पानी के कंपैरिजन में जल्दी खराब हो जाता है। करीब 120 साल पहले ब्रिटिश राज के वक्त भारत में कॉलरा फैल रहा था। बीमारी में मरने वालों के शव इतने ज्यादा हो गए थे कि उन शवों को अंग्रेज सरकार ने गंगा नदी में फेंक दिया। कॉलरा इज अ वाटर ट्रांसमिट डिजीज, लेकिन फिर भी सरप्राइजिंगली गंगा के पानी के बहाव में आने वाले आगे के रास्ते बीमारी नहीं फैल पाई। अब एक ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीस्ट हैंकिंग ने अपनी रिसर्च में कैलकुलेट किया कि ग्राउंड वाटर में पनपने वाले कोलोरा के बैक्टीरियल कॉलोनीज गंगा के पानी में जल्दी मर जाते हैं। डॉक्टर हैंकिंग ने उबले हुए गंगा जल और फिल्टर्ड गंगा जल का उपयोग करके अपनी रिसर्च की। उन्हें पता चला कि गंगा का फिल्टर्ड पानी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज दिखाता है। करीब 60 साल पहले भारत के लोग गंगा के पानी की कुछ बूंदें अपने तालाब में डाल देते थे और ये पानी में मौजूद सारी बैक्टीरियल ग्रोथ को मार देता था। यहाँ तक कि इतना पॉल्यूटेड होने के बाद भी गंगा का पानी आज की तारीख में भी किसी नदी के पानी के कंपैरिजन में बैक्टीरिया को 25 गुना तेजी से मार देता है। सही सुना, चमड़े की फैक्ट्रीज से गंगा में मिलने वाला जहरीला केमिकल भी जहरीले केमिकल की वजह से प्रॉपर्टीज कम हो जाती हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि गंगा के पानी में मैजिकल कोलॉइड्स नाम की पार्टिकल्स पाए जाते हैं। करीब 3 करोड़ साल पहले तक के मैजिक कोलॉइड्स समुद्र के बेस में पाए जाते थे। फिर करीब 2 करोड़ साल पहले ग्रेट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के नाम से एक जियोग्राफिकल इवेंट हुआ। इस जियोग्राफिकल इवेंट के तहत इंडिया लैंड मास का कोलिजन इरोजन प्लेट से भरा हुआ था। कहा जाता है कि इस कोलिजन की वजह से ही हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी थी। अब माउंट एवरेस्ट भी इसी कोलिजन के कारण बनी थी। इसी समय ये मैजिक कोलाइड्स समुद्र के तल के ऊपर आ गए थे। आज के समय में इन्हें इलेक्ट्रोलॉजिकल चार्जेस नैनोसाइट्स कोलाइड को गंगा नदी की मेडिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इन्हीं कोलाइड्स की वजह से गंगा के पानी को लिविंग वाटर कहा जाता है। इसी के साथ गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस भी पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज इस शब्द का मीनिंग है बैक्टीरिया को मारने वाला, यानी ये बैक्टीरियोफेज नामक वायरस बैक्टीरिया और हानिकारक वायरस को मार देता है। इसीलिए गंगा के पानी में नहाने और गंगा का पानी पीने से शरीर के सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं। इतना ही नहीं, गंगा के पानी का सरफेस टेंशन कम होने की वजह से इस पानी में 83 मिनरल्स का ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन पाया जाता है जो ह्यूमन बॉडी के लिए सभी पोषक तत्वों का एग्जैक्ट डोज है, जैसे किसी दवाई का होता है। इसी सरफेस टेंशन और नदी के बहाव के वाइब्रेशन के कारण ये सारे सेल्स एक रिदम में हासिल करते हैं, जिससे पानी का मेडिकल इफेक्ट और भी बढ़ जाता है। गंगा का पानी एक्सट्रीमली एल्कलाइन होता है। इस पानी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के साथ हाइड्रोजन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट पाया जाता है, जो हार्मफुल पार्टिकल्स को खत्म करने में हेल्प करता है। इसी वजह से इंसानी डीएनए को नुकसान कम होता है, बीमारियां कम होती हैं और इंसान की उम्र बढ़ जाती है। इस पानी में सिल्वर कोलाइड का भी हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिस वजह से इसे बायो एनर्जेटिक मेडिकल वाटर कहा जाता है। जैसे जैसे हम बूढ़े होने लगते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स की पानी ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी कम होने लगती है।
ऐसे में गंगा के पानी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इंसानी शरीर को बहुत फायदा पहुंचाती हैं। प्राचीन भारतीय ऋषि तांबे के लोटे में पानी पिया करते थे। ये तांबे के लोटे इमली से साफ किए जाते थे, फिर लोटों में गंगा का लिविंग वाटर भर दिया जाता था। लगातार सुबह और शाम को ये पानी पीने की वजह से ही भारत में ऋषियों का स्वास्थ्य इतना अच्छा रहता था। आज भी रामेश्वरम में शिव मंदिर में तांबे के बर्तन में गंगा जल रखा गया है, जिसे सदियों से रखे होने के बावजूद बैक्टीरियाज डेवलप नहीं होते हैं। चरक संहिता में भी गंगा के पानी की महिमा लिखी गई है। महर्षि चरक के मुताबिक गंगा के पानी में शरीर में बिना किसी साइड इफेक्ट के एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस पैदा होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो हिमालय में है, इसी वजह से गंगा नदी के सोर्स में ही हिमालय रॉक सॉल्ट मिक्स होता है। इस वजह से गंगा के सोर्स में गोल्ड, सिल्वर, रेडियम नैनो कोलाइड्स बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। आजकल जापान के हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिकल आयोनाइजर्स का इस्तेमाल करके वैसा ही आयोनाइज्ड पानी बनाया जाता है जो गंगा नदी में नेचुरली अवेलेबल है। भारत के लोगों ने गंगा के पानी का महत्व हजारों साल पहले ही पहचान लिया था और आज की तारीख में जापान से लेकर अमेरिका तक सारे देश इस पानी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को पहचान चुके हैं। हम में से कई लोग बचपन से गंगा जल के पवित्र होने की पौराणिक कथाएं सुन रहे हैं, लेकिन उन कथाओं पर साइंटिफिक रिसर्च आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश करी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।